नमस्कार, मैं हूं लवली सिंह। आप देख रहे हैं एन भारत समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की सेहत में सुधार के लिए अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी युवा जनसभा के कार्यकर्ताओं ने बख्शी बहादुर की दरगाह पर चादर चढ़ाई और उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की। समाजवादी युवा जनसभा के कार्यकर्ताओं ने सपा युवा जनसभा के नेता काशिफ अवधी के नेतृत्व में चादर चढ़ाते हुए पूर्व नगर विकास मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की सेहत में सुधार की कामना की। आज समाजवादी पार्टी जनसभा अलीगढ़ की तरफ से और सारे कार्यकर्ताओं की तरफ से बाबा बख्शी बहादुर दरगाह पर हम लोगों ने चादर चढ़ाई है। आजम खान साहब जो हमारे नेता हैं, जो हमारे रहनुमा हैं, उनकी सेहत में सुधार के लिए जिस तरीके का आए दिन अभी लगातार खबरों के माध्यम से हम लोगों को पता लग रहा है कि उनकी जो ऑक्सीजन लेवल है बहुत कम, बहुत डाउन आ चुकी है। और जिस तरीके से प्रदेश सरकार जो अनदेखी कर रही है, उनकी लापरवाही लगातार जो बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से हमारे समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से इनको ऊपर दबाव बनाकर दिल्ली ना ले आकर उनको मेदांता लखनऊ ले जाने का काम किया है, बहुत सराहनीय कदम है जिसकी आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और ताकि मेदांता के अंदर जिस तरीके से इलाज चल रहा है, उस इलाज में बहुत जल्दी सुधार आए। अल्लाह ताला ईश्वर भगवान जो है हम सब लोगों की कहना में दुआएं सुने और उनकी सुधार लेकर।